subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. Tag TV UK Talk Show, London Dialogue and Discourse, every Tuesday night, 7 p.m. UK time. यूके टॉक शो में आज हम बातचीत करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के सुलगते हुए मसला की तरफ। ये वो खूबसूरत वादियां हैं, वो खूबसूरत मुकाम हैं जहां पर फूल उगते हैं, मगर सुलगते हुए मसाइल की वजह से वो फूल भी अब मुरझाते जा रहे हैं। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इलाकों में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ख़ास तौर पर बड़े शहरों में, और बाबा जान और उन जैसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो 14 के करीब बताए जाते हैं उनकी रहाई का मुतालबा हो रहा है। चाइना के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट चल रहे हैं क्योंकि ये वो इलाका है जो ख़ुद मुख्तारी मांगता है, और पाकिस्तान से इनका ये कहना है कि आप किस तरह हमारे इस इलाके को चाइना के सपुर्द कर रहे हैं। Honorable Madam President, plundering of natural resources in disputed areas of so-called Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan divide people from their own wealth. Gilgit-Baltistan के हवाले से बहुत ज़्यादा concerns हैं, और इन concerns में सबसे बड़ा concern जो है वो human rights की violations है। हम government से appeal करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाए, हमारे मियाँ को छोड़ दे, वो बेकसूर है, या तो हमें भी अपने बच्चों के साथ जेल में बंद करें। उसका एक बेटा पैदा हुआ 25 दिन, बेटा पैदा होने से 25 दिन बाद जेल ले गए। इससे अभी तक हर रोज हम मर जाती हूँ। गवर्नमेंट को अपील है, इस वक्त हमारे बेटों को रिहा करना चाहिए। खास तौर पर वो गिलगित और बल्तिस्तान के लोग जो उम्र कैद की सूरत में अपनी जिंदगियां जेलों में गुजार रहे हैं, उनकी माएं, बहनें, बेटियां, बीवियां किस तरह अपने दुख का इजहार करती हैं। हम उन कौम में से नहीं है जो हथियार दिखा के अपनी बात मनवा सके। हम हुंजा के अवाम, जीबी के अवाम लिटरेट है। हम लाज की रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे बेगुनाह भाइयों को प्लीज़ प्लीज़ आप लोग जल्द अज जल्द रिहा करें। हम बहुत ज़्यादा सफ़र हुए हैं, अब मजीद हिम्मत नहीं है सफ़र होने की। मैं गुलिस्तान रानी असीर शुक्रुल्ला बेग और उसके साथ जो 13 भाई है उनकी बहन यहाँ अलीबाद में 3 दिन से सुबह शाम धरने में हूँ। मेन मकसद इस धरने का ये है कि 10 सालों से जो हमारे 14 भाई हुंजा असीरान हुंजा के नाम से 10 सालों से जेल के सलाखों के पीछे बंद है, हम उनकी रहाई के लिए धरने में मौजूद है। मेरा नईस, उसके बर्थ को 25 डेज हो चुके थे कि मेरे भाई को कैद किया। अब मेरा जो नईस है वो 7 साल का है, और अब तक उसने अपने अब्बा को जेल के सलाखों के पीछे ही देखा है। ये सजा काट रहे, आज भी हम उसी के एक बाप होने के नाते हमें बेसहारा किया है। उस टाइम पे कोई नहीं थी हमें सहारा देने के लिए, किसी ने इतना भी नहीं सोचा कि इन लोगों पर क्या मसाइल है। कोई इसका सहारा है घर में, इसका ख्याल रखे।
دنیا کا کوئی فورم ہو وہاں پر گلگت بلتستان کے لوگ جاتے ہیں اور اپنی آواز بلند کرتے ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مظالم سے آزاد کروایا جائے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں تو گلگت بلتستان ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہے، واپس آ کر آپ اس کو کیسے چھیڑ سکتے ہیں، سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ یعنی بین الاقوامی برادری میں کھڑے ہو کر آپ اقوام متحدہ کی قرارداد کا ذکر کرتے ہیں، واپس آ کر آپ اس سے تقریر کی گردی کرتے ہیں اور آپ ایک کمیٹی بناتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو پاکستان میں شامل کریں، ساتھ ہی آزاد کی فیس سپریم کورٹ میں ایک درخواست آپ دلوا دیتے ہیں کہ ماہرین جموں و کشمیر کے بورڈ کا حق ختم کر دیا جائے۔ ساتھ ہی نریندر مودی سری نگر میں 6 لاکھ سابق فوجیوں کو لا کے آباد کرنا چاہتا ہے، ان کی فیملیز کو، ہر فیملی میں اگر 5 آدمی کے اندازن ہو تو 30 لاکھ آدمی کا اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ ہندوستان اپنی مرضی کے 30 لاکھ کشمیری آباد کرنا چاہتا ہے۔ آپ اگر گلگت بلتستان کو صوبہ بنا دیں گے تو ان شاء اللہ کبھی نہیں بنائیں گے ہماری زندگی میں۔ یو این او جنیوا کے ہیومن رائٹس کمیشن میں کئی بار سینگے سائرنگ جی بھی اس موقف کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور دنیا سے مطالبہ کر چکے ہیں کہ ان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مظالم سے رہا کروایا جائے۔ And the international community as well as the people in Jammu and Kashmir both now want Pakistan to withdraw from Gilgit-Baltistan and POJK. So people in POJK will not entertain the aspirations of Pakistanis anymore because Pakistan only believes in abusing the land there and not respect what the local people want. It is time for India, which is the lawful legal owner of Gilgit-Baltistan, to step up in the United Nations and outside the United Nations, claiming Gilgit-Baltistan, not just with symbolic gestures, but building relationship with the people of Gilgit-Baltistan, because what we have seen that what India has done in Ladakh by giving them autonomy right now, giving them their own union territory, is something that we could look towards and hope that one day Gilgit-Baltistan will also be able to have that kind of development and political model that India provides to Ladakh. So I think our relationship with India should be strengthened. We are part of India, as Colonel Wajad will tell us after this. And India and Gilgit-Baltistan are part of the same body, part of the same culture and civilization, and part of the same country. And I think the United Nations, the member of the United Nations, need to realize that Pakistan has become a big stumble block for the last 70 years, and it is the only reason why there's a huge impasse in achieving the real development and real true autonomy that the people of Gilgit-Baltistan deserve within the Indian Constitution. آج ہم یو کے ٹاک شو میں بات چیت کریں گے سینگے سائرنگ سے، جو نامور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، گلگت بلتستان کے لیڈر ان ایگزائل واشنگٹن ڈی سی ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کریں گے ویڈیو لنک پر۔ سینگے بھائی، صورتی حال جو ہے وہاں پہ کافی گمبھیر ہے۔ میں نے 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کیا، آپ بتائیے کہ صورتحال ایکچولی کنٹمپریری سچویشن میں کیا ہے؟ تھینک یو طاہر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میری طرف سے تمام ویورز جو ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر میں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں جلے۔ سب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ جو ہے اس اہم ٹاپک پر اور ایشیا کے سب سے جو اسٹریٹیجکلی امپورٹنٹ ایریا ہے گلگت بلتستان، اس کے اوپر ایک پروگرام کر رہے ہیں اور اس میں تاثرات بیان کرنے کے لیے آپ نے جو ہے نا مجھے مدعو کیا، تو میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں۔ گلگت بلتستان کی جو سچویشن اس وقت ہے وہ ایک جو ہے کانسیکوینس ہے پچھلے 70 سال کی ڈینائل آف رائٹس کا اور نظر انداز کیے جانے کا، اور سیاسی حقوق اور معاشرتی و معاشی حقوق
जिस तरीके से सल्ब किए गए गिलगित बल्तिस्तान के, और वो एक लावा बनकर अब उभर रहा है, निकल रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त बहुत ही टेंस सिचुएशन है, आप टीवी पे देख सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान का जो मीडिया है उसने तो बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ, गिलगित बल्तिस्तान की कोई न्यूज़ बाहर नहीं आ रही क्योंकि उनके ऊपर आर्मी का प्रेशर है, लेकिन सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जलसे जुलूस हो रहे हैं। हुंजा की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस इस वक्त जो है अलियाबाद और मुर्तजाबाद की तरफ जो है ना, वो वहाँ पर गामजन है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान से लोग आकर और आज़ाद कश्मीर से और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से लोग आकर उनको ज्वाइन कर रहे हैं। वहाँ पर हमारे कौमी लीडर हैं बाबा जान हुंजई, और उनके साथ 12-13 और हमारे एक्टिविस्ट हैं, उनको उम्र कैद मिली है, उनकी रिहाई के लिए वहाँ मुतालबे किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो अबूरी सूबे के नाम पर वहाँ पर एक ड्रामा रचाया है, जिसकी वजह से कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज और लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा वहाँ पर जो है वो एक लावा उमड़ पड़ा है और जो है एहतजाज पे हो रहा है। स्कर्दों में, चिलास में, गिलगित सिटी में, गाकूज में, इन्हें हर अहम इलाके में इस वक्त बाबा जान की रिहाई के लिए और मकामी लोगों के हकूक़ के लिए एक आवाज़ उठ रही है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में लोगों को इस तरह मुत्तहिद हुए पहले कभी नहीं देखा है, तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है गिलगित बल्तिस्तान में, जिसके बारे में अफसोस है कि पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल खामोश है। ये बताइए कि गिलगित बल्तिस्तान को आप पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं या भारत का हिस्सा समझते हैं, या उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर का एक इंटीग्रल पार्ट है, और तकसीम हिंद के कानून के तहत रियासत जम्मू कश्मीर का जो लेटर ऑफ एक्सेशन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, वो इंडिया को मिला, भारत को मिला, तो हम लोग भारत का कानूनी हिस्सा बन गए। तो कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर, हम जनवरी 1950 में जब भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट किया, तो उसमें उन्होंने हमें अपना शहरी बनाया। तो 1950 से लेकर आज तक हम कानूनी और आइनी तौर पर और दुनिया वालों की नज़र में हम भारत के शहरी हैं, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान ने इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया, और चूंकि पाकिस्तान का कब्ज़े को यूनाइटेड नेशन ने नाजायज़ करार दिया और उन्होंने पाकिस्तान को यहाँ से निकलने को कहा और पाकिस्तान ने यहाँ से निकलने से इनकार किया, तो ये कब्ज़ा तो पाकिस्तान का फिज़िकली तबी तौर पर चल रहा है। लेकिन आपके सवाल का जवाब यह है कि हम भारतीय शहरी हैं और भारत, गिलगित बल्तिस्तान जो है वो भारत का हिस्सा है कानूनी तौर पर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की, आपने कहा कि हम भारतीय शहरी हैं, जबकि पाकिस्तान में रहते हुए जब मैं वहाँ पे रहता था तो हुंजा जाना, गिलगित बल्तिस्तान जाना ऐसे ही था कि पाकिस्तान के वो शमाली इलाका जात की सैर होती थी, भारत हम घुस नहीं सकते थे। तो आप कहते हैं कि कानूनी तौर पर ये भारत का हिस्सा है, मगर प्रैक्टिकली तो ये पाकिस्तान का हिस्सा चल रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब मैं भी छोटा था तो हमें भी कश्मीर के मुतालिक किसी भी किस्म की कोई मालूमात नहीं थी। हमारा ये ख्याल था कि 1947 में तकसीम हो गई है और जो इलाके पाकिस्तान के पास आ गए वो सारे पाकिस्तानी हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान के अक्सरियती लोग 1970 और 80 की दिहाई तक ऐसा ही सोचते थे, लेकिन उसके बाद फिर वक्त के साथ साथ लोगों को जब पता लगा कि उनको पाकिस्तान की शहरियत नहीं मिली और पाकिस्तान के आईन के हिसाब से उनकी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पाकिस्तान के जो जुडिशल इंस्टीट्यूशंस हैं उन तक उनकी रसाई नहीं है, तो फिर लोगों ने पढ़ना शुरू किया, सोचना शुरू किया, और फिर 90 की दिहाई में एक आप कह सकते हैं कि नज़रियात का एक सैलाब उमड़ आया, जिसमें लोगों को पहली दफ़ा पता लगा कि हम जो है रियासत जम्मू कश्मीर के साथ लिंक हैं और पाकिस्तान हम अपना शहरी नहीं बना सकता है। तो उसके बाद से फिर जितनी भी जो हमारी तहरीकें हैं, जिसमें बाबा जान भी उसका हिस्सा हैं, नवाज़ नाजी हैं, अब्दुल हमीद खान वगैरह, ये सब जो हैं, उन्होंने लोगों को ये शऊर देना शुरू किया कि हम लोग पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, पाकिस्तान के हिस्सा नहीं हैं और रियासत जम्मू कश्मीर के साथ हमारा ताल्लुक है। तो वहाँ पर मकामी तौर पर आपको तो पता, पाकिस्तान में एक मिथ क्रिएशन होती है पार्टीशन के हवाले से, बांग्लादेश के हवाले से इतने झूठ बोले जाते हैं, अच्छा दो कौमी नज़रिए के हिसाब से इतने झूठ बोले जाते हैं, तो ये जो सारे मिथ क्रिएशन है उसमें हमारा मसला बिल्कुल डूब के रह गया। तो ये अभी जो नई नई एक आप देख रहे हैं लोगों के अंदर एक नई एक्साइटमेंट आ रही है,
एक नई जिंदगी मिली है वहां पर सियासी उफक पर। उसकी वजूहात ये हैं कि वहां पर अब लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, तो इस वजह से वो अब सोच रहे हैं कि जी अगर हम पाकिस्तानी नहीं हैं तो फिर हमें हकूक कैसे मिलेंगे। तो ये आप ये कह सकते हैं कि पिछले 15-20 साल में लोगों को जाके पता लगा है कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, और इस वक्त मेरे ख्याल में 90% से ज़्यादा लोग अब इस बात पर कायल हो चुके हैं कि पाकिस्तान का तबीयी कब्ज़ा तो है लेकिन जायज़ कब्ज़ा नहीं है, लीगल कब्ज़ा नहीं है। तो क्या आपके इलाके के गिलगित बल्तिस्तान के बासियों के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है? जी हाँ, पाकिस्तान का पासपोर्ट है, हमारे पास ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, लेकिन पाकिस्तान की जो आईन की आर्टिकल 1 होती है उसमें आपकी शहरियत डिक्लेयर होती है, और आर्टिकल 1 में जो इलाके मेंशन होते हैं वो पाकिस्तान के आईनी इलाके शुमार होते हैं। तो जो इलाके पाकिस्तान के आईनी इलाके नहीं हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, उनको आर्टिकल 1 में तब्दीली करके, अमेंडमेंट करके हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। तो हमें टेम्परेरी तौर पर पाकिस्तान में चलने फिरने के लिए और दूसरी सहूलतों के लिए उन्होंने एडहॉक सिस्टम बनाए हुए हैं, और इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए हमें पाकिस्तानी पासपोर्ट मिलता है, लेकिन पाकिस्तान के कानून में और रियासत जम्मू कश्मीर के हिसाब से जो उसने कुछ गारंटीज दी हैं उसमें वो इस बात का इकरार करता है कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो अपने आप को इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, किस धरती के साथ रिलेट करते हैं, अगर एक रफ परसेंटेज की बात करें तो? देखिए, बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान एक होमोजेनस एरिया नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है जहाँ पर 95% लोग बंगाली जबान बोलते थे और 90% से ज़्यादा लोग जो है ना वो सुन्नी मुसलमान थे। यहाँ पर हमारी 7-8 जो है ना बड़े मजाहब हैं, उसमें शिया हैं, सुन्नी हैं, इस्माइली हैं, नूरबख्शी हैं, हमदानी हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बड़ी बड़ी ज़बानें हैं जिनका आपस में कतन कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे शिना है, बल्ती है, कोई अपने आप को तिब्बत के साथ लिंक करता है, कोई अपने आप को कश्मीर के साथ, कोई अपने आप को ताजिकिस्तान के साथ लिंक करता है। और ये जो मुख्तलिफ लोगों की एथनिक और रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हैं उसकी वजह से लोगों के फिर वहाँ की ख्वाहिशात और नज़रियात भी थोड़े से फ़र्क हो जाते हैं। तो बल्तिस्तान के लोग कहते हैं हमें लद्दाख के साथ जोड़कर कुछ बनाया जाए, फॉर इंस्टेंस। गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी हमें आज़ाद कश्मीर के साथ, जैसे दयामिर में लोग हैं वो कहते हैं आप हमें आज़ाद कश्मीर के साथ जोड़ कुछ बनाइए, ओवरऑल ये कहते हैं कि जी हमें आप आज़ादी दीजिए, और इस तरह के मुख्तलिफ जो हैं लोगों के वहाँ पर नज़रियात हैं। बहुत से लोग अभी भी, जैसे पीपल्स पार्टी के जो मेम्बर हैं वो या तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान का 5वां सूबा बनना चाहते हैं। तो ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर हैं वो तो ज़ाहिर यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान के आइनी तौर पर शहरी बनना चाहते हैं और उसका सूबा बनना चाहते हैं। तो इस वक्त एक डिवाइडेड जो है ना आप कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म है, और यूनाइटेड कोई व्यू ऐसा नहीं है। अभी हमारे नवाज़ खान नाजी हैं फॉर इंस्टेंस, वो कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल और कोहिस्तान और लद्दाख को मिलाकर एक मुल्क बनाया जाए जिसका नाम वो कहते हैं बलोरिस्तान हो। ये मुख्तलिफ जो है ना आप कह सकते हैं कि लोगों की वहाँ ख्वाहिशात हैं, और इसमें से मुख्तलिफ ख्वाहिशात होने के, जैसे मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि शुरू में ही अगर आपको रियासत जम्मू कश्मीर और गिलगित के रिलेशनशिप के हवाले से कानूनी जो ताल्लुक है अगर आपको पहले दिन से बताया जाता तो लोग इतने डिवाइडेड और इतने बटे हुए ना होते। और चूँकि आपसे हकीकतें छुपाई गई और बरतानिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोसीजर था जिसमें तकसीम हुई थी रियासतों की, उसके बारे में आपको मुकम्मल तौर पर जो है ना ला इल्म रखा गया, तो इस वजह से ये एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बटा हुआ प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता आप कह सकते हैं कि लोग जो है ना मशावरत कर रहे हैं कि हमारी अपनी ज़ाती ख्वाहिशों के अलावा जो कानूनी तौर पर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में बात की जाए। बातचीत इस वक्त बहुत ज़ोर पकड़ रही है गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने की सूरत में। ये बातचीत कोई नई नहीं है, पहले भी ये होता रहा, लेकिन लगता है कि इस बार शायद ऐसा हो जाए। पाकिस्तान अब तक गालबन ऐसा इसलिए नहीं कर रहा था कि वो भारत को क्लीन चिट नहीं देना चाहता था जम्मू कश्मीर के हवाले से, मगर जब से भारत ने आर्टिकल 35A 370 को एब्रोगेट किया और यूनियन टेरिटरीज बना दी तो
इमरान खान की या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो इंडिया के खिलाफ बयानबाजी है वो तो मुझे पब्लिक सेविंग फेस सेविंग के तौर पर नज़र आती है, लेकिन लगता है कि जैसे ये शायद ऑन बोर्ड हैं भारत के साथ कि भाई ठीक है आपने जम्मू कश्मीर को टेरिटरीज बना दी, हम इधर प्रोविंस बना दें, ये कैफियत आपको भी नज़र आती है? देखिए, ये जो सूबा बनाने का जो सारा ड्रामा है ये तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया था 1971 में। शिमला मुहिदा करने के बाद वो वापस आए और उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर हमारा पांचवा सूबा होगा और गिलगित बल्तिस्तान छठा सूबा होगा। तो पहली दफ़ा फिर उन्होंने वहाँ डिस्ट्रिक्ट बनाए, उन्होंने 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए, फिर उसको 5 कर दिए। तो ये शोशा उस वक्त से छोड़ा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो एक चीज़ बहुत अच्छी तरह समझती है लेकिन वो अपने आवाम के साथ शेयर नहीं करती, वो ये है कि सूबा बन भी जाए तो भारत का दावा तो ख़त्म नहीं होगा, भारत को जब भी मौका मिलेगा ये ज़मीन वापस ले लेगा। तो सूबा बनने से डिस्प्यूट नहीं ख़त्म हो रहा है, लेकिन कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान के जो हमदर्द हैं वो फिर पाकिस्तान के मुखालिफ ज़रूर बन जाएंगे। और जिस तरह तालिबान के अंदर से एक तहरीक तालिबान निकली, इसी तरह कश्मीरियों के अंदर से एक ऐसा ग्रुप निकलेगा जो पाकिस्तान की फ़ौज से बदला लेगा कि इतने सालों में हमने आपके खातिर इतनी कुर्बानियां दी हैं और आज आपने हमें बिल्कुल जो है सी पैक के नाम पर या चाइना की खातिर आपने हमें बिल्कुल जो है ना अबेंडन किया है। तो ये जो है पाकिस्तान के फौजी अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए अभी ये जो सूबे का नाम इन्होंने दिया है इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आर्टिकल 1 में तब्दीली नहीं हो रही है। तो जब आर्टिकल 1 में तब्दीली नहीं हो रही इसका मतलब है कि आपकी जो शहरियत है वो आपको नहीं मिल रही और पाकिस्तान के कानून में गिलगित बल्तिस्तान उसका हिस्सा नहीं बन रहा। इसके कुछ और आर्टिकल्स हैं जिसमें आपको उबूरी तौर पर प्रोविजनल या टेम्परेरी तौर पर कौमी असम्बली या सेनेट में हो सकता है आपको एक आध नुमाइंदा वहां बिठा दें, ये हो सकता है उबूरी तौर पर वो आपको NFC में या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में या जो रिवर इंडस अथॉरिटी है हिस्सा है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इस तरह के दूसरे जो नेशनल इंस्टीट्यूशन हैं इनमें हो सकता है आपको बुरी तौर पर कोई नुमाइंदगी दे दें, आज़ाद कश्मीर को भी देंगे, लेकिन आर्टिकल 1 में तब्दीली नहीं हो रही। तो चूंकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में अब शऊर बहुत बढ़ गया है, पहले की नस्बत ऐसा नहीं है, तो वो ये कह रहे हैं और हर तरफ से आवाज़ आ रही है कि हमें आपका सूबा नहीं चाहिए, हमें तो अगर आपने आर्टिकल 1 में तब्दीली नहीं करनी है तो फिर जो आपने आज़ाद कश्मीर को दिया है जिसमें उनका अपना सदर है, वज़ीर आज़म है, झंडा है, वो दीजिए, हमें आपका अबूरी सूबा नहीं मंजूर। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि पहले की निस्बत जब बेनज़ीर को ऐलान करती थी, नवाज शरीफ को ऐलान करते थे, तो जिस हिसाब से बहुत बड़ा एक जो है ना इंथुजियाज़म होता लोगों में वो ऐसा नहीं है, बल्कि लोग इसको विरोध कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह इसको कंडेम कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं इसका। दूसरी बात यह कि आपको शायद आइडिया हो कि गिलगित बल्तिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं तो इस तरह के ऐलान तो होते रहते हैं, बेनज़ीर ने भी किए, नवाज शरीफ ने भी किए, भुट्टो ने भी किए, तो ये इलेक्शन के दौरान होने वाले जो है ना ये ऐलानात हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे जब इलेक्शन हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ को कुछ सीटें मिल जाएंगी इस ऐलान के बाद, तो फिर अगला इलेक्शन आज़ाद कश्मीर का है और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वहाँ के लोगों को खुश करने के लिए बोलेंगे कि जी हमने तो बहुत कोशिश की लेकिन वजारत दिफा की तरफ से और वजारत खारजा की तरफ से उन्होंने कहा कि आप इसको पाकिस्तान का मुकम्मल सूबा नहीं बना सकते। तो वहाँ जाके फिर आज़ाद कश्मीर में ये सीटें जीतने के लिए बोलेंगे कि हम अब सूबे का जो है कोशिश जो है वो तर्क कर रहे हैं। ये इनकी एक साइक्लिक प्रोसेस है। बेनज़ीर और नवाज शरीफ दोनों ने भी ये हरकतें की हैं, जरदारी ने भी ये हरकतें की हैं कि यहाँ पर आके सूबा कहते हैं, इलेक्शन में सीटें जीतते हैं, फिर 6 महीने बाद आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होते हैं, वहाँ ये सूबे के खिलाफ बोलते हैं और वहाँ सीटें जीत जाते हैं, और उसके बाद 4 साल तक जब हुकूमतें इनकी बन जाती हैं तो फिर ये भूल जाते हैं इस वाक़े को। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के चल रहा है। इस दफ़ा भी मुझे नहीं उम्मीद कि आर्टिकल 1 में कोई तब्दीली होगी, ये तो तकरीबन नामुमकिनात में से है, और बाकी अगर कुछ उबूरी देंगे तो आवाम इसको कबूल नहीं करेंगे। यानी आपको लगता है कि सूबा नहीं बना पाएंगे? नहीं, सूबा बनाएंगे लेकिन उबूरी बनाएंगे, अगर बनाना भी हुआ टेम्परेरी बनाएंगे, जिसमें उनकी आइन में ख़ास तौर पे ये लिखना उनको पड़ेगा कि गिलगित बल्तिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर का इलाका है, ये डिस्प्यूटेड है और डिस्प्यूट होने की वजह से हम इसको एक टेम्परेरी सेटअप दे रहे हैं डिस्प्यूट के हल होने तक। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें भी पाकिस्तान की हार है, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान के आइन में
ये बाकायदा जो है ना ये इंस्क्रिप्ट हो जाएगा कि ये रियासत जम्मू कश्मीर का इलाका है, तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके बाद उनको किसी किस्म के सबूत की ज़रूरत नहीं होगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है पाकिस्तान को उनका अपना आइन दिखा के बोलेगी जी गिलगित आपका हिस्सा नहीं, आपके अपने आइन में आपने लिख दिया है कि ये रियासत जम्मू कश्मीर से मुंसलिक है। तो ये हम चाहते हैं कि ये कानूनी तौर पर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट तैयार करें जिसमें हमारे रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा होना साबित हो जाए, ताकि उसके बाद इंडिया के लिए हमें दोबारा से जो है ना मर्ज करना लद्दाख के साथ वो मुश्किलात जो है ना वो कम से कम हो जाएं। तो ये बेशक सूबा बनाएं या कुछ भी करें, इवेंचुअली इन्होंने जो है ना हार ही नहीं की है, शिकस्त ही नहीं की है। गिलगित बल्तिस्तान इनका जो है दायमी तौर पर, अवधि तौर पर, परमानेंट तौर पर इनका कभी भी नहीं हो सकता है। आपने पीछे जिक्र किया सी पैक का, और सी पैक से बात जुड़ी हुई है ऑफ कोर्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और चाइना की। तो गिलगित बल्तिस्तान में अब प्रैक्टिकली ये सूरत लगती है कि सिर्फ पाकिस्तान, भारत और गिलगती बल्तिस्तानी लोग ही स्टेक होल्डर नहीं हैं, चाइना भी पाकिस्तान की इनविटेशन की वजह से बन चुका, और ख़ासतौर पर जब चाइना को पाकिस्तान ने गिलगित के साथ का ही एक बड़ा हिस्सा गिफ्ट किया था 60s में। तो चाइना के हवाले से कितने कंसर्न्स हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और क्या उसका जो है आउटकम आपको नज़र आ रहा है? देखिए, अभी तक सीपैक के जो डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुए हैं, पब्लिक किए गए हैं, पहली बात यह कि सीपैक आपको पता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें पाकिस्तान को बाकायदा दस्तखत करके देने पड़ते हैं कि वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की जो डिटेल्स हैं वो आवाम को रिलीज़ नहीं करेंगे। इवन सियासतदान जो हैं, पीपल्स पार्टी के सियासतदान, वो कहते हैं कि उनको डिटेल्स नहीं पता होती। तो जो कुछ हमें पता है उसके हिसाब से तो गिलगित बल्तिस्तान में कुछ नहीं बन रहा, मकामी लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, और जो भी मिलेगा वो चाइनीज़ के अपने हाथ में रहेगा, अथॉरिटी चाइनीज़ की होगी, पॉलिसी मेकिंग चाइनीज़ की होगी, रेवेन्यू चाइनीज़ के पास जाएगा, और जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है और डिग्रेडेशन है, कल्चरल डिग्रेडेशन है, वो हमारे हिस्से में आएगी। ज़मीनों पे कब्ज़ा ऑलरेडी हो चुका है, रात को 3-3 बजे 2-2 बजे जब लोग जो अपने घरों में सो रहे होते हैं उस वक्त बुलडोज़र लाकर मखपुम 10 में और नोमल में और नलतर में और आगे पीछे जहाँ जहाँ भी इम्पोर्टेंट जगह हैं दयामिर में, वहाँ पर बुलडोज़र ला के लोगों के जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर, घर हैं और मवेशी खाने हैं, उनको बुलडोज किया गया और ज़मीनों पर फौज ने आके कब्ज़े कर लिए। हज़ारों के एकड़ के हिसाब से सब फौज ने ज़मीनों को अपने कब्ज़े में ले लिया है। तो लोग तो खुश नहीं हैं, लोग जो है उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये हमारे हक में होता प्रोजेक्ट, अगर ये हमारे फ़ायदे के लिए होता तो इस तरीके से आप हमसे ज़मीनें ना छीनते, हमें कोई मुआवजा मिलता, इसमें डिसीजन मेकिंग में हमारे गिलगित बल्तिस्तान की बाकायदा नुमाइंदगी होती, कोई बोर्ड ऑफ गवर्नर बनता, उस बोर्ड में गिलगित के नुमाइंदे होते। तो ये जो 70 साल से कॉलोनियल सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान के गिलगित में, उसी को उन्होंने सीपैक के लिए भी यूज़ करके एक कॉलोनियल तरीके से उस सीपैक को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके खिलाफ मुकम्मल जो है एहतजाज है। मकामी लोग इसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे और चाइनीज़ को एक काबिज कौम के तौर पर देख रहे हैं, और वो ऑलरेडी देख रहे हैं कि शिनजांग में मुसलमानों के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, तिब्बत में जेनोसाइड हो रहा है, और बाकी मुल्कों में जहाँ पर सीपैक चल रहा है जैसे श्रीलंका है या कीनिया है या म्यांमार या दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पर उनकी इकॉनमी तबाह हो चुकी है, वो कर्ज़ों के बोझ तले दब चुके हैं और मुस्तकबिल जो है उनका तारीख हो चुका है। तो हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग इतने बाशऊर हैं कि वो इस सीपैक के जो मौजूदा स्ट्रक्चर है इसको तो बिल्कुल जो है ना उसकी मुखालफत करेंगे और कर रहे हैं। और अभी दयामिर डैम में भी आपने देखा कि इन्होंने चाइना को दे दिया है, और दयामिर डैम की जो तमाम नौकरियां हैं वो पंजाबियों को दी जा रही हैं और चाइनीज़ लोग हैं और बाकी लोगों को दी जा रही हैं। मकामी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 5-6 नौकरियां मिलती हैं, सैकड़ों के हिसाब से अनाउंस करते हैं, और उसमें से 4 या 5 नौकरियां मकामी लोगों के लिए होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लोग मंगला डैम में जिस तरह इन्होंने किया, रॉयल्टी आज तक नहीं दी, नौकरियाँ आज तक जो है ना पंजाबियों के पास हैं, और 3 या 4 गुना ज़्यादा कीमत देकर उसी मंगला डैम की बिजली पर यूनिट जो है वो कश्मीरियों को बेची जाती है। तो ये सब लोगों को अब पता चल चुका है कि पाकिस्तान का जो कब्ज़ा है उसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ हमारी ज़मीन चाहते हैं, अवाम की बहबूद फलाह व बहबूद जो है वो इनका बिल्कुल कंसर्न नहीं है। तो इसके खिलाफ मुकम्मल जो है ना विरोध हो रहा है। देखिए,
گلگت بلتستان کے باسیوں کی مخالفت سی پیک کے لیے یا چائنا کی وہاں ایکسپینشنزم جو ہے وہ اپنی جگہ پر، مگر زمینی حقائق آپ کو کیا لگتے ہیں کہ چائنا کس طرح اپنے ایکسپینشنزم کو گلگت بلتستان میں پروسیڈ کرے گا، اور انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر کیا آپ کو ریڈی نظر آتے ہیں اس کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں، میں امریکن شہری ہوں اور یہاں پہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں پومپیو صاحب، انہوں نے کئی دفعہ بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ پاکستان کے پاس گلگت بلتستان کی سورنٹی نہیں ہے. برٹش گورنمنٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس اس کی سورنٹی نہیں ہے، رشیا نے ایسا کہا ہے، فرانس نے بڑا کلیئرلی کہا ہے. تو جو اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل کے 5 پرماننٹ ممبر ہیں، ان میں سے 4 تو چائنا کو کہہ چکے ہیں کہ آپ یہاں جو کچھ کر رہے ہیں یہ غیر قانونی ہے، پاکستان کے پاس چونکہ سوورنٹی نہیں ہے اس لیے آپ یہاں پر وہ حرکتیں نہیں کر سکتے جو آپ دوسرے ممالک میں جا کے کرتے ہیں، جیسے سری لنکا ہے یا افریقہ کے ممالک میں. تو یہ ایک جو نظریہ ہے زور پکڑ رہا ہے کہ چائنا جس طریقے سے مقامی لوگوں کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پامال کر کے یہاں کی زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی تو اس کے بالکل مخالف ہے. اقوام متحدہ میں بھی جب ہم جاتے ہیں تو اس کو ہم باقاعدہ اس کو پروٹیسٹ کرتے ہیں، وہ آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا گلگت بلتستان کی ہوں، تو اس کو مکمل پروٹیسٹ کرتی ہیں کہ جب تک آپ یہاں کے لوگوں کو کوئی آئینی سیٹ اپ نہ دیں اور یہاں کے لوگوں کو اس میں مکمل شیئر نہ دیں. بلکہ ہمارے مقامی لوگ جو ہیں، ایون جو پرو پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ کہتی ہیں کہ گلگت بلتستان چونکہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں یہ کہتی ہے، جماعت اسلامی اور جمعیت العلماء اسلام بھی یہ کہتی ہے اور نیشنلسٹ بھی کہتے ہیں کہ اس کو تھرڈ پارٹی کے طور پر اس کو ریکگنائز کیا جائے، ایک چائنا، ایک پاکستان اور ایک گلگت بلتستان. جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے ہم سی پیک چلنے نہیں دیں گے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی جو ہے نا، وہ اس بارے میں مکمل طور پر تیار نہیں ہے کہ وہ چائنا کو اس طریقے سے آگے بڑھنے دے. اور COVID-19 کی سچویشن جو ہے اس کے بعد تو چائنا کے خلاف پوری دنیا میں جو ایک تاثر پھیلا ہے کہ اس کا جو کلونیل سسٹم ہے، اس کا جو کمیونسٹ سسٹم ہے، اس کا جو امپیریلسٹ سسٹم ہے، ٹوٹلیٹیرین سسٹم ہے، اس کی وجہ سے ملک دنیا میں جس حساب سے ریسورس ابیوز ایکسپلوئٹیشن کا اس نے ایک جال پھیلایا ہوا ہے، اس کو روکنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جو ہمدردیاں ہیں اس وقت گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ہیں، چائنا کے ساتھ نہیں ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ چائنا جو ہے وہ نیپال میں جو کچھ کر رہا ہے، بنگلہ دیش میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، افغانستان میں طالبان کے تھرو اپنا وہ جال پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ زیادہ کامیاب ہوگا. اور اس میں جو ہے سلامتی کونسل کے جو باقی ارکان ہیں وہ یقیناً اس کو کاؤنٹر کریں گے. آپ نے بتایا کہ دنیا کے بہت بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرس کو گلگت بلتستان میں چائنا کی ایکسپینشنزم کی جو صورت ہے اس سے تشویش ہے، وہ وارننگ بھی دے رہے ہیں، مگر جو نیکسٹ ڈور سب سے امپورٹنٹ کنٹری ہے وہ ہے بھارت، اور بھارت کا کلیم بھی ہے گلگت بلتستان کے لیے، اور آپ جیسے لیڈر بھارت کا حصہ ہونے کی بات بھی کرتے ہیں، بھارت سے کیا اینٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم بھارت کی سویلائزیشن کا حصہ ہیں، مجھے تو بڑا فخر ہے اس پر. پاکستانیوں میں یہ بڑی منافقت ہے کہ جب یورپین یونین کے ممالک اتحاد کی بات کرتے ہیں تو ان کی تو بڑی تعریف کرتے ہیں، اس کو بڑا نوبل کاز کے طور پہ پیش کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے بھارت کی یونین کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں. تو یہ منافقت ہے پاکستانیوں میں کہ وہ یہاں پر لڑائی جھگڑا جو ہے نا جاری رکھنا چاہتے ہیں. سندھ، بلوچستان، بھارت، نیپال، ان سب کے اتحاد جو ہے گلگت بلتستان کا، اس کے خلاف ہیں اور یہ ہو کر رہے گا. تو اس میں جو ہے نا سب سے بڑا ظاہر ہے ایشو ہے گلگت بلتستان کے ساتھ بھارت کے آئینی رشتے کا. تو بھارت جو ہے اس میں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اب ہمارے وہاں پر ایک وزیر اعظم آئے ہیں شری نریندر مودی، جنہوں نے پہلی دفعہ ایک پولیٹیکل کریکٹنیس جو ہے اس کا ایک ابہام جو رکھتے تھے ماضی کی حکومتیں گلگت بلتستان اور کشمیر کے بارے میں، اس کو مکمل طور پہ رد کر دیا ہے، اس کو سائڈ پر رکھ دیا ہے اور کھل کر کہا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے اور یہاں کے لوگوں کو وہی حقوق ملنے چاہیے جو لداخ کے دوسرے باسیوں کو حاصل ہیں، ان کو آئینی حق ملنا چاہیے، ان کو شہریت ملنی چاہیے. اور چونکہ ہم 1950 میں بھارتی شہری بن چکے ہیں اور 1971 میں جو بلتستان کے جو 6-7 گاؤں تھے جب بھارت نے ان کو واپس حاصل کیا، تو ایک دن بھی ضائع کیے بغیر ان کو
पार्लियामेंट में उनको नुमाइंदगी भी मिल गई, उनको जो है ना कानूनी हैसियत भी मिल गई, उनको अपने आईन के हिसाब से जो जुडिशियल और सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स थे वो भी मिल गए। तो जब उन 7-8 हमारे गांव हैं तुरतुक चुलुमखा नुबरा साइड पर जो हैं ब्यौदा वगैरह के और इधर हुंदरमन वगैरह हैं, उनको जब एकदम शहरियत मिल सकती है, तो जब हम भी भारत में वापस जाएंगे तो हमारी जो इस वक्त 70 साल से पाकिस्तान ने हालत की हुई है वो नहीं रहेगी। हम तो बराबर के शहरी के तौर पर इज्जत के साथ और फख्र के साथ हम जिंदगी गुजार सकेंगे। तो हम तो समझते हैं कि हम जो है ना भारत का और लद्दाख के सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं, और हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, हमारी जो मईशियत है, उसकी प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन उसी वक्त हो सकती है जब हम भारत जैसी डेमोक्रेसी का हिस्सा बने, जो जिसकी डेमोक्रेसी जो है वो इक्वालिटी पर और इक्वल राइट्स पर और इक्वल रिस्पेक्ट पर मबनी है। तो हम तो चाहते हैं कि भारत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करे, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अपनी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दे, और जो है ना उनके पास तो आईनी जो है इस वक्त सहूलत भी है कि वो वहाँ पार्लियामेंट में जो 4-5 एक्स्ट्रा सीटें होती हैं वो सेनेट में होती हैं, उनकी जिसको राज्यसभा कहते हैं या कौमी असम्बली जिसको लोकसभा कहते हैं, उसमें नुमाइंदगी दे सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों की बिल्कुल हालत आईनी ऐसी है जैसी हमारी है, उनको नुमाइंदगी दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमें भारत के जो प्लेटफॉर्म है आईनी प्लेटफॉर्म उस पर जो है ना अपने तासरात रकम करने का मौका मिले। तो ये जो हुकूमत है इस बारे में बहुत संजीदा है, और अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ और दूसरे ममालिक के साथ, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंग्लैंड वगैरह के साथ, इन्होंने इस बारे में बड़ी क्लैरिटी शो की है और काफ़ी प्रोग्रेस हुई है इस बारे में। तो मैं समझता हूँ कि भारत जो है जिस रास्ते पर चल पड़ा है, ट्रैक पर है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, ये बिल्कुल सही ट्रैक है, और हम इंशाल्लाह जो हैं दोबारा से लद्दाख का हिस्सा बनेंगे, जल्द बनेंगे। संगी साहब, एक एग्जाइल लीडर गिलगित बल्तिस्तान के होने के नाते अमेरिका में बैठे हुए आप इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, और आपकी एंटिसिपेशन है कि भारत आपको अपने अंदर समोए, और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी कई बार इशारे दे चुके हैं, भारत की सरकार इशारे दे चुकी है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको ये सब होता नज़र आता है? देखिए, प्रैक्टिकली तो 60-70 की दिहाइयों में एक तासुर बन गया था कि जी लाइन ऑफ कंट्रोल को परमानेंट किया जाएगा, शिमला मुहिदे के तहत जो है ना हम इधर तुम उधर हम के हिसाब से, जिस तरह बांग्लादेश को अलग किया भुट्टो ने, इसी हिसाब से कश्मीर का फैसला किया जाएगा। लेकिन आज अगर पाकिस्तान की हालत देखें, ये 3-4 फैक्टर्स जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो बाद में कह रहा हूँ, एक तो पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हालत बहुत बुरी है। पाकिस्तान इस पर डे टू डे के हिसाब से फाइनेंशियली जो है ना वो चल रहा है, चाइना से कर्जे लेता है, अमेरिका से और सऊदी ममालिक से जो है ना उसके जो पैसे हैं वो बंद हो चुके हैं, उसकी अपनी कोई ऐसी प्रोडक्शन एक्सपोर्ट या इंडस्ट्री है नहीं कि जिस पर वो सहारा लेकर उसके बलबोते पर कायम रह सके। दूसरी बात, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में शऊर होना और हालात का जो है ना सही उनको इतराक होना, और 70 साल में जो हकूक नहीं मिले उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होना, और पाकिस्तान की जो बदनीयती है, डिसऑनेस्टी है कि वो आमदन तौर पर हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसके बारे में उनको रियलाइज होना, ये बड़ा अहम इशू है। तीसरा, भारत का अपनी पॉलिसी तब्दील करना और हर सूरत में गिलगित बल्तिस्तान को वापस लेने के बारे में बात करना, ये एक अहम इशू है। चौथा एक अहम पहलू ये है कि भारत इकोनॉमिकली इस वक्त दुनिया की सुपर पावर बन चुका है, वो अमेरिका के बराबर खड़ा है, ये एक अहम इशू है। मिलिटरीली और इकोनॉमिकली वो एक सुपर पावर है। छठा एक अहम पहलू ये है कि अब वो अमेरिका के इत्तेहादी है, पहले जो था आपको याद है नॉन अलाइन मूवमेंट होती थी, और प्राइम मिनिस्टर नेहरू या दूसरे जो गुजरा थे इनके, वो अमेरिका को इतना पसंद नहीं करते थे। तो अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनके साथ जो इनके इत्तेहाद है ये बिल्कुल नई नहज पर चल रहा है, और वो ये है कि हम आपके साथ जो है ना मिलकर काम करना चाहते हैं और चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, और उसके लिए गिलगित बल्तिस्तान का भारत का हिस्सा होना इंतहाई अहम है। ये जो चीज़ है ये रियलाइज़ कराई गई है बाकी दुनिया की ताकतों को। तो मेरे ख्याल में ये जो 7-8 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ इशू अब सिर्फ इंडिया, भारत, पाकिस्तान का नहीं रहा है, इशू तो अब चाइना का बन गया है, इशू अमेरिका का बन गया है, इशू जो है ना पूरी दुनिया की जो डेमोक्रेटिक एटमोसफेयर है और इंस्टीट्यूशन है उसके सर्वाइवल का बन गया है, कि चाइना दुनिया में जहाँ जहाँ फैल रहा है वहाँ पर वो जमहूरियत का गला घोंट रहा है, और वहाँ के मकामी जो अकलियतें हैं
जैसे कि पाकिस्तान में बलोच हैं, सिंधी हैं, पश्तून हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, उनसे उनकी ज़मीनें छीन रहा है, दुनिया के दूसरे ममालिक में भी वो ऐसा कर रहा है, तो वो पूरी दुनिया का जो एक जो 70-80 साल की जो मेहनत की थी मगरबी दुनिया ने यहाँ पे जमहूरियतों को कायम करना और फ्री इकॉनमी को लाना और एक जो है ना मार्केट इकॉनमी को और एक ग्लोबलाइज सोसाइटी को कायम करना, उसको चाइना एक नेगेटिव तरीके से इसको अब्यूज़ करके एक्सप्लॉइट करके अपने आप को इम्पोज कर रहा है बाकी दुनिया के ऊपर, तो इशू बहुत बड़ा हो गया है। और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में तो जितने भी मौरख हैं और जितने भी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं वो ही कहते हैं कि दिस इज़ द कॉकपिट ऑफ एशिया। जो गिलगित बल्तिस्तान में बैठ गया उसने पूरे एशिया को कंट्रोल किया। तो गिलगित बल्तिस्तान की अहमियत अब सिर्फ मसले कश्मीर की वजह से या पांचवें सूबे की वजह से, ये बातें यानी उनसे बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। तो ये ऐसे पहलू हैं, ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको मैं सामने रख कर अपने तजिए के तौर पे कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द भारत का हिस्सा होंगे। आखिर में दो एक बातें, मुझे अपना नॉस्टैल्जिक ज़माना याद आ रहा है, आज से को 30-35 बरस पहले जब हम जाया करते थे हुंजा और गिलगित के इलाकों में, एक बहुत ही पुरसकून इलाके थे, अमन अमान की सूरत हाल बहुत अच्छी थी और हमेशा खुशगवारी का एहसास होता था। क्या वैसी ही सूरत हाल है या पॉलिटिकल अनरेस्ट बढ़ा है या कोई इकोनॉमिक अनरेस्ट की वजह से सूरत चेंज हुई है? मैं जानता हूं कि आप भी अरसा दराज से बाहर बैठे हुए हैं मगर अपने इलाके से आप हमसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। देखिए, जुल्म पहले की नस्बत बहुत बढ़ गया है। अभी मेरी बहन ने मुझे टेक्स्ट किया था एक दो दिन पहले कि जी उसको किसी दफ्तर में बुलाया गया, उसको धमकियाँ दी गई, उसके फैमिली को जो है ना थ्रेट किया गया आपकी वजह से, मेरी वजह से। हमारे जितने भी इस वक्त पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जो बहुत ही पुरमन तरीके से एहतजाज करते हैं, अपने इश्यूज उठाते हैं, सबके ऊपर ट्रीजन केसेस हैं, सबके ऊपर स्केड्यूल 4 है जिसकी वजह से उनके सारे बैंक अकाउंट उनसे छीन लिए गए हैं, उनके ट्रैवल पे पाबंदी है, वो बगैर पुलिस की इजाज़त के अपना ज़िला नहीं छोड़ सकते, उनकी नौकरियाँ उनसे छीन ली गई हैं, अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उनके दाखिले के चांसेस थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो इस तरीके से पर्सनल लेवल पर जो जुल्म है, वन टू वन टारगेट है, इंडिविजुअल जो टारगेट इनफरादी तौर पर लोगों को जो है ना टारगेट किया जा रहा है और जुल्म किया जा रहा है। बाकी जो 14 अफराद हैं उनको लाइफ सेंटेंस दी गई है, 70 साल की सजाएं दी गई हैं जेल के अंदर। इनके जो जुल्म करते हैं वो तो यजीद के ज़माने में भी नहीं हुए, तो वहाँ पर जो है ना शियों के ऊपर जो जुल्म है पिछले 70 साल से वो तो किसी से अब छुपा नहीं है। पहली दफ़ा जब पाकिस्तान ने अपना एक तहसीलदार वहाँ पर भेजा था, उसने जब देखा कि यहाँ के लोग मेरे साथ नहीं हैं तो 1947 में ही उसने शिया सुन्नी झगड़ा शुरू कर दिया और वही पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी बनाई। भुट्टो आया, उसने भी शिया सुन्नी झगड़ा किया, जुल्फ़िकार भुट्टो ने, उसके बाद ज़िया ने तो फिर हादी कर दी और ज़िया के बाद आने वाले तमाम जर्नलों ने वहाँ पर शियों के ऊपर जो जुल्म किया और जेनोसाइड किया और कत्लेआम किया, ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए मज़हब को इस्तेमाल किया, वहाँ के लोगों को आपस में डिवाइड रखने के लिए मज़हब को इस्तेमाल किया। तो ये जो इशूज़ हैं ये ऐसे हैं जिसकी वजह से आपका जो एक तासुर है कि वहाँ अमन की फ़ज़ा है वो किसी हद तक जो है ना मेरे ख्याल में बहुत ताफुन ज़दा इलाका बन चुका है और हर जगह मारा मारी है, जो है ना लोगों को बात करने की इजाज़त नहीं है। सारा का सारा हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है वो चाइना को दे दिया गया है, इंटेलिजेंस जो है चाइना के पास है, तो लोग अब खुल के बात तक नहीं कर सकते, लोग खौफ की फ़ज़ा में रहते हैं, अपने हुकूक के लिए बात तक नहीं कर सकते। हमारे एक बहुत बड़े लीडर हैं कर्नल वजाहत जो हैं इस वक्त एग्जाइल में हैं और उनके भाई जो थे, जब उनका कर्नल नादिर जो था उनको जब अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर जुल्म किया, तो खौफ की ये आलम था कि 12-13 लोगों से ज़्यादा सड़क पे कोई नहीं निकल सके और जो भी सड़क पे निकले फिर उनके ऊपर जो है टेररिज्म के केसेस बनाए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर तक लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में चले जाएं कोई शिकायत करने तो वापसी पे आपको गिरफ्तार करके टेररिज्म के केस बन जाते हैं। अगर आप अमेरिका के किसी भी इदारे जैसे कि एमनेस्टी है या ह्यूमन राइट वॉच है या किसी के साथ आप बात करें उसके बाद आपके ऊपर टेररिज्म केस बन जाते हैं। तो कहने का मकसद है कि वहाँ पर हर किसी के ऊपर इस वक्त जो है ना वो इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर
लोगों को, आम लोगों को, शिया लोगों को आम एक मजहबी आज़ादी जो है नहीं है, बहुत से शिया लोग हैं उनको ब्लास्फेमी केस जो है ना उनके ऊपर हैं। पिछले 3-4 हफ्तों में आपने देखा कि मुल्क में जितने भी ब्लास्फेमी केस बने उसमें 80% शियों के खिलाफ बने। गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से जो शिया मिसिंग पर्सन हैं उनको अभी तक रिकवरी नहीं हुई है। तो कहने का मकसद है कि एक दुनिया में तासुर यह दिया जाता है पाकिस्तान अपनी मीडिया के ज़रिए कि ये जन्नत नज़ीर है। जन्नत नज़ीर होगा पाकिस्तान की एक्सप्लॉयटेशन के लिए, लेकिन वहाँ के जो बासी हैं वो जहन्नम में रह रहे हैं। बहुत आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उसमें बहुत सारे मुतालबे हैं वहाँ के शहरियों के, मगर जो सबसे बड़ा मुतालबा सामने आ रहा है वो 14 बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की रिहाई का है। वो सब के सब किस तरह के मुकदमात की वजह से पाबंदे सलासल हैं? देखिए, पाकिस्तान, आपको पता है कि वहाँ पे जुडिशियर और मीडिया दोनों जो है वो मुकम्मल आर्मी के कंट्रोल में होता है। इसी वजह से ये जो 14 हमारे शेरदिल जवान हैं, इनके बारे में ना पाकिस्तान की मीडिया के बारे में इनके ऊपर कोई बात की जा रही है, ना ही पाकिस्तान की जुडिशरी कोई ताबुन कर रही है। एक जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट आई थी इस इशू के ऊपर जो 2010 में अताबाद में, आपको पता है, एवलांच आई, एक लेक बनी। 2011 में फिर लोगों ने अपने हकूक के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत से लोगों को कंपनसेशन नहीं मिले थे, 1000 से ज़्यादा लोग जो थे ना वो मुतासर हुए थे। तो शिशकत हमारे वहाँ एक जगह है, वहाँ के लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट किया, तो उसमें फिर एक बाप और एक बेटे को कत्ल किया गया, शेरुल्ला बेग और अफजल को, और पुलिस ने कत्ल जब किया, गोलियां चलाई, कत्ल किया, बहुत से लोग जख्मी किए। तो उसके बाद फिर बाबाजान और उनके जो दूसरे एक्टिविस्ट हैं उनको इम्प्लिकेट किया। अब मज़े की बात है कि बाबाजान और उनके एक्टिविस्ट तो वहाँ पर थे नहीं फिजिकली, लेकिन कहा यह गया कि बाबाजान ने वहाँ पर एटमोसफेयर क्रिएट किया है और उनको इम्प्लिकेट कर दिया। तो उनको फिर 2 दफ़ा जो है ना सजाए जो है उम्र कैद की सज़ा दी गई, और अभी भी इनके पास ये बहाना है कि हमारा जो जुडिशरी है उसका बेंच पूरा नहीं है, 1 साल से ऊपर हो गया, इन्होंने किसी जज को तैनात नहीं किया है। यानी जब एक्सप्लॉयटेशन की बारी आती है हमारी रिसोर्सेज की, तो ये बगैर किसी से पूछे जो है ना दबा कर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। जब हुकूक देने की और इंसाफ करने की बात आती है तो ये कहते हैं कि जी जज की तैनाती जो है, भाई जज की तैनाती कहीं मरीज से तो नहीं होनी, इस्लामाबाद से ही होनी है। तो इस्लामाबाद से अगर और बड़े बड़े काम हो सकते हैं, हमारी रिसोर्सेज चाइना को एक्सप्लॉयट करने के लिए दिए जा सकते हैं, और जो है ना बाहर से लाकर पाकिस्तान के जर्नलों को वहाँ पर हमारे ऊपर इम्पोज किया जा सकता है, तो एक जज को भी इम्पोज किया जा सकता है। तो इन्होंने एक बहाना बनाया हुआ है कि जी बेंच पूरा नहीं है, इसलिए बाबाजान की हियरिंग नहीं हो रही। जब भी वो इलेक्शन लड़ते हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, 2015-16 में जेल में रहते हुए वो दूसरे नंबर पर आए थे, तो उनकी वहाँ मकबूलियत जो है इन अवामी सतह पर उनसे बड़ा, इस वक्त मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा लीडर है वहाँ पर। 20-30 हज़ार का मजमा इकट्ठा करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, जबकि जब इमरान खान या जरदारी या दूसरे लोग वहां जाते हैं तो इन पाकिस्तानी पार्टियों को जो है ना जिंदगी और मौत का मसला बन जाता है 50,000 लोग इकट्ठे करने के लिए। ये जितने सरकारी मुलाजमीन हैं उनको डंडे मार के हांग के लाया जाता है, स्कूल के बच्चों को हांग के लाया जाता है तादाद पूरी करने के लिए, और बाबाजान कहीं पर खड़े हो जाएं तो 20-30 हज़ार लोग उनके लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये हुंजा के लोअर एरिया से हैं, और इनकी जो तहरीक है बहुत पुरानी है, ये पहले लेबर पार्टी में थे, इनकी अपनी एक तंजीम थी प्रोग्रेसिव यूथ फ्रंट के नाम से, तो बाद में जब अवामी वर्कर पार्टी बनी तो उसमें ये नायब सदर बन गए उसके। तो इनकी तहरीक जो है वो अवाम के साथ है, और ये कहते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको आप जब बाहर से कोई एक्सप्लॉयट करने के लिए लाते हैं तो उसमें मकामी लोगों का जो शेयर है डिसीजन में और रेवेन्यू दोनों में, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और रेवेन्यू जो है वो मकामी लोगों की मर्जी से एक्सप्लॉयट होने चाहिए, ये उनका एक बेसिक उनका वो है। तो ये तो शुरू से ऐसा कहते आ रहे हैं, और चूंकि हुंजा से हैं, और हुंजा जो आपको पता गेट पे है पाकिस्तान का, चाइना का हुंजा के अलावा और कोई रास्ता है नहीं है। तो हुंजा में जब इन्होंने देखा है कि बहुत बड़े एक नेचुरल एक लीडरशिप उभर रही है जो कि पाकिस्तान की एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ हैं, और उसके बाद फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद के हिसाब से जो कश्मीर का जो इशू है उस पर भी बाबाजान का जो मौक़िफ़ है बड़ा क्लियर आया, और मेरे साथ उनका टेलीफोन पे जो है ना रब्ता रहता था, और हम दोनों जो थे एक पेज पर थे कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता आप जो है ना इस इलाके को अपना आइन दीजिए, अपनी रिकग्निशन दीजिए, या फिर आज़ाद कश्मीर के साथ मिलकर 50-50 की बुनियाद पर कोई एक सेटअप बनाइए।
तो जब इस तरीके से बातें उन्होंने करनी शुरू की तो पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से थ्रेट महसूस हुआ, क्योंकि पाकिस्तान तो इस इलाके को, उसकी जो आर्मी है वो मुकम्मल अपने शिकंजे में रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि यहाँ के लोगों को जो है ना एम्पावरमेंट हो, यहाँ के लोगों को आइन मिले और आइन के हिसाब से वो अपनी लेजिस्लेटिव असम्बली में कोई फैसले कर सकें। यानी आप अंदाज़ा कीजिए हमारे इलाके का कि पिछले दिनों हमारा जो चीफ मिनिस्टर थे हफीज़ुर्रहमान साहब, वो टीवी पर आकर कहते हैं कि यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स होते थे। आपको पता है यूटिलिटी स्टोर जहाँ पे परचून बिकता है, जनरल स्टोर जिसे हम कहते हैं, यूटिलिटी स्टोर पाकिस्तान ने बंद किए और इन्होंने जब आगे से उसको रोकने की कोशिश की तो वो रोक नहीं सके। ये हाल है हमारे चीफ मिनिस्टर की कि वो यूटिलिटी स्टोर परचून की दुकानें तक जो है ना उसके कंट्रोल में ही है। जो लिक्विड गैस आती है सिलेंडर में, उसकी कितनी तादाद आनी है, लोगों की क्या ज़रूरत है, वो हमारे चीफ मिनिस्टर के हाथ में नहीं होती है। यहाँ पे लोगों को जो अक़वाम मुत्तहिदा ने सब्सिडी दी है, हमारे वहाँ पर कई सब्सिडीज़ हैं, वो ये हमसे ले लेते हैं और मुकामी चीफ मिनिस्टर का इख्तियार नहीं होता कि वो सब्सिडी को 20-30% की सब्सिडी होती है उसको वो रोक सके। कहने का मकसद है कि यहाँ की मकामी हुकूमत जो है ना वो बिल्कुल टोकन हुकूमत है, एक रबर स्टैम्प है। वो इस्लामाबाद वाले उसको इस्तेमाल करते हैं, जो मर्जी पार्टी हो। बाबाजान ने कहा कि हमें यहाँ पर एम्पावरमेंट होनी चाहिए, यहाँ की रिसोर्सेज मकामी लोगों के हाथ में होने चाहिए। तो ये उनका जो एक स्टैंड था वो आर्मी को पसंद नहीं था। और उसके बाद अताबाद का जो एक इशू था वो तो एक बहाना है। यानी बाबाजान की जो आपने एक आइडेंटिटी बना दी है, शनाख्त बना दी है अताबाद के हवाले से, वो उससे बहुत बड़ी उसकी जो है ना कुर्बानियाँ और खिदमात हैं इलाके के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जो है ना जुल्म है इनके साथ। दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि पहली बात यह कि आप वहाँ पर एहतजाज में शरीक ना हों, और दूसरी बात है कि कहीं कोई बिल्डिंग में आग लग जाए, कहीं कोई सड़क ब्लॉक हो जाए तो उसके लिए उम्र कैद दी जाए, वो भी दो दफ़ा। दुनिया में ऐसा नहीं होता है। तालिबान को ऐसे कोई सज़ा नहीं मिलती है। जब पीपल्स पार्टी वाले लोग मुल्क में तोड़ फोड़ करते हैं, जब मुस्लिम लीग वाले मुल्क में तोड़ फोड़ करते हैं, जब MQM वाले मुल्क में तोड़ फोड़ करते हैं, जब तहरीक इंसाफ के इमरान खान की अपनी आप खुद हरकतें देखें, उसने मुल्क को तकरीबन तबाह करके रख दिया था 2 साल के लिए। इन लोगों के ऊपर जो है ना उम्र कैद नहीं होती है। और बाबाजान वहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक दो बिल्डिंग्स जल गई एहतजाज में, और वो एहतजाज क्यों हुआ, क्योंकि कत्ल हुए वहाँ पर। तो जिन लोगों ने कत्ल किया उन पुलिस वालों को सजा देने की बजाय उन्होंने क्या किया कि उल्टा बाबाजान के ऊपर उम्र कैद की सजा बना दी। तो ये इंतहाई नाइंसाफी है। मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी आइन जो है मॉरल या एथिकल बेसिस पर इसको कबूल करेगा। तो हम समझते हैं कि इसको बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, बाबाजान को आज़ाद किया जाना चाहिए। राशिद मिनहास हैं, अमीर है, आमिर हैं, अलीम हैं, और बहुत से हमारे दोस्त हैं, इफ्तिखार करबलाई हैं, 90 साल की उनको कैद मिली है, सबको रिलीज करना चाहिए। ये वो शेरदिल जवान है जिसकी वजह से हमारे जो लोगों के हकूक हैं उनके तहफ़ुज़ की थोड़ी बहुत एक किरण है, उम्मीद है, वो हमारी जागी है। और हम समझते हैं कि इनको जो है ना जेल में रखना वो सरासर नाइंसाफ़ी है। और दुनिया की जो तमाम बैनुल अक्वामी तंजीमें हैं उसको इसका नोटिस लेकर पाकिस्तान पर प्रेशर डालना चाहिए। और क्या जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके नतीजे में मुख्तसर ये बताइए, ये रहा हो पाएंगे? देखें, जैसे मैंने कहा कि ये तो आर्मी के ऊपर डिपेंड करता है, जुडिशरी आर्मी के हाथ में है। आर्मी अगर चाहेगी तो वो रिहा एक सेकंड में हो जाएंगे। लेकिन अभी रिसेंटली बाबाजान के कागजात नामजदगी जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं, इलेक्शन कमीशन भी आर्मी के हाथ में है, तो इनका रवैया बाबाजान के साथ इतना कोई दोस्ताना तो नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो चूँकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं, वो बार बार वादे कर रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद में जाके मीटिंग्स की हैं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। तो खुशखबरी तो ये सूबे की भी 70 साल से 73 साल से दे रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि जो है ना वो इस इलाके में बाबाजान को बगैर किसी ऐसी, चूंकि इस वक्त इलेक्शन आने वाले हैं, इनके कर्नल उबैद जो हैं इनके PTI के वो नुमाइंदे हैं, बाबाजान की रिहाई के बाद हो सकता है कि कर्नल उबैद हार जाएँ। तो सियासी जो इस वक्त पोलिटिकल एटमोसफेयर ऐसा बना हुआ है कि बाबाजान की रिहाई जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए, आर्मी के लिए सूट नहीं करेगी। बाकी इंटरनल जो है हमें ऐसी कोई इतला नहीं मिली कि उनको रिहा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जुडिशरी जो है उसकी जब अपॉइंटमेंट हो जाएगी उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है।
بالکل آخر میں مختصر بتائیے، کوئی بات چیت آپ کی میری گفتگو کے درمیان آپ سمجھتے ہیں کہ مس ہو رہی ہے اور آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے جو ہمارے دوست ہیں، کیونکہ آپ لوگ کا ٹی وی چینل پاکستانی بہت غور سے دیکھتے ہیں، ہم ان کی جو منافقانہ جو پالیسی ہے اس سے ہم تنگ آ چکے ہیں۔ کشمیر ویلی کے لیے ان کی ایک مختلف پالیسی ہے، ہمالی کے لیے مختلف پالیسی ہے، اور بلوچ جو مظلوم بلوچ ہیں ان کے لیے مختلف پالیسی ہے، انتہائی بے حسی ہے ان کے لیے۔ تو میرا پیغام پاکستانیوں کے لیے یہی ہے کہ آپ اس وقت اگر پوری دنیا میں ذلت و خواری اٹھا رہے ہیں اور شرمسار ہو رہے ہیں اور دنیا میں بالکل آئسولیٹ ہو گئے ہیں، تو یہ آپ کی اپنی منافقت کی وجہ سے ہے۔ آپ لوگوں نے بلوچستان کے ساتھ اور سندھیوں کے ساتھ، گلگت بلتستان کے ساتھ جو ظلم کیا، خدا آپ کو اس کی سزا دے رہا ہے۔ تو اب بھی وقت ہے کہ آپ لوگ جو ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور یہاں کے جو جائز ان کے حقوق ہیں اس کے لیے آواز اٹھائیں، اور صرف ہماری زمین کو، ہمارے ریسورسز کو استعمال کرنے کے لیے، اور صرف ہماری زمین کے اوپر للچائی ہوئی نظریں رکھ کر ہمیں استعمال کرنے کے لیے جو ہے نا، وہ یہ جو پالیسی اپنی ترک کریں۔ گلگت بلتستان کے لوگ غیور ہیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم آپ سے الگ ہو جائیں گے، چند مہینے یا چند سال کے وقت رہ گیا ہے، اور ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے کہ آپ ہمارے لوگوں سے معافی مانگیں۔ پاکستان کی فوج جو ہے جس نے وہاں پہ جینوسائڈ کیا ہے شیعوں کا، اور ان کو معافی مانگنی چاہیے مقامی لوگوں کے ساتھ، جو مظالم انہوں نے وہاں لوگوں کے ساتھ کیے ہیں۔ آج کے زمانے میں دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں پر بغیر بیسک رائٹس کے، بغیر کسی آئینی حقوق کے، بغیر ووٹنگ رائٹس کے، بغیر کسی ایپیکس کورٹ میں جوڈیشری کے ایکسس کے، دنیا میں کسی بھی ملک کے عوام کو رکھا جاتا ہو۔ آپ نے 73 سال سے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور جانوروں کی طرح اور جانوروں سے بدتر آپ نے ہمیں زندگی دی ہے۔ تو ابھی بھی آپ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کی جو ہے نا اسلامی اقدار ایکسپوز ہو رہی ہیں، کہ جس طریقے سے آپ بلوچوں کو نظر انداز کرتے ہیں، گلگت بلتستان کو اور سندھیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، پشتونوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو ابھی بھی اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیے، اور فوج سے مراد یہ نہیں کہ وہ بیچارہ سپاہی ہے جو کہ خوار ہو رہا ہے سرحد کے اوپر، فوج سے مراد ہے آپ کے جنرل۔ اپنے جنرلوں کا اکاؤنٹیبلٹی کیجیے، یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ آپ کے دوست نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو ایز اے سویلین صرف استعمال کیا ہے۔ اور آج بھی وقت ہے آپ لوگوں کے پاس کہ دوبارہ بنگلہ دیش جیسی سچویشن ابھر رہی ہے بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں، اور اپنی فوج کی اکاؤنٹیبلٹی کیجیے اور ان کو سزائیں دلوائیے، بجائے یہ کہ ان کو آپ تخت کے اوپر بٹھائیں، ان کو جیلوں میں جانے کے لیے ان کے لیے ایسی سچویشن بنائیے تاکہ آپ کے ملک میں انصاف جو ہے، جو آپ کی جوڈیشل سسٹم ہیں جس کے اوپر لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے، وہ دوبارہ سے ریسٹور ہو سکے۔ تو میری امید ہے پاکستان کی عوام سے کہ وہ آج ایسی سچویشن میں جب پاکستان بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے اور گلگت بلتستان میں جو ظلم ہو رہا ہے اس میں وہ بری طرح ایکسپوز ہو گیا ہے، اور بلوچستان میں جو ظلم ہو رہا ہے، سندھ میں ظلم، پشتونوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے بری طرح ایکسپوز ہو گیا ہے، وہ چائنا کے ساتھ مل کر ایکسپلوئٹیشن کے راستے کو ترک کر کے مقامی لوگوں کو ان کی عزت نفس، ان کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے اس کو ریسٹور کرنے میں، اور ان کے جو خود مختاری ہے اس کو ریسٹور کرنے میں مدد کریں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ملک بچ جائے۔ بہت شکریہ سنگے سارن بھائی، اور ہم آپ کی اوپینین آنے والے دنوں میں بھی لیتے رہیں گے۔ ویورز، آج کا یو کے ٹاک شو گلگت بلتستان کے سلگتے ہوئے مسئلہ پر دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ ٹیک ٹی وی یو کے ٹاک شو، London Dialogue and Discourse, every Tuesday night, 7 PM UK time. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.